मटन लेंगे, मटन में सबसे पहले दही डालेंगे। दही को फुल जो है ना हिला के बिल्कुल लस्सी टाइप में कर लेना है, ताकि इसमें दाने जो दही के अंदर दाने होते हैं वो ना रहें। और जो हम हमारे पास इधर ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, टर्मेटिक होगी, हमारे पास रेड चिल्ली होगी, उसके बाद ये तकरीबन 6 से 7 जो हैं लौंग के, ये 7 हो गया, हमारे पास काली मिर्चें 8 से 9, और ये थोड़ा सा ज़ीरा। अब हम इसको इसके बीच में डाल के मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये हमने मिक्स कर दिया, अब तकरीबन हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। प्याज को हल्की आंच के ऊपर ही गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें मैरिनेटेड जो हमारा मटन था वो अब हम डालेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ये 7 से ना ये सारा उतार के, ये जो हमारा मिक्सचर का थोड़ा बहुत स्वाद रह के, इसको भी बीच में डाल देंगे। बस इतना काफ़ी। हमने मटन ऐड कर दिया, साथ हिला दिया, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता भुनेंगे। जबरदस्त ग्रेवी तैयार हो रही है। इसको तकरीबन 20 मिनट जो है ना दम हल्का सा दे देंगे, ताकि ये अच्छी तरह हमारा मटन ना गल जाए।
थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दम पे रखेंगे।